राजधानी में स्नैचर्स का आतंक। नागलोई में महिलाओं से लाखों की लूट। प्रताप बाग में बुजुर्ग को बनाया निशाना। राजधानी दिल्ली में बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, इसकी बानगी हाल के दिनों में हुई लूट की वारदातों से लगाई जा सकती है। एक के बाद एक बदमाश वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं और पुलिस जांच के नाम पर हाथ मलती रहती है। ताजा मामला प्रताप बाग इलाके का है, जहां स्कूटी सवार एक बुजुर्ग से बदमाशों ने सोने का कड़ा लूट लिया और फरार हो गए। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से बाइक सवार एक बदमाश पहले बुजुर्ग का रास्ता रोकता है, फिर थोड़ी देर में उसके दो साथी आ जाते हैं, फिर जबरन बुजुर्ग के हाथ से कड़ा निकाल लेते हैं और फरार हो जाते हैं। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए, ये तस्वीर आजादपुर मंडी के पास हुई लूटपाट की है, जहां बाइक सवार बदमाशों ने एक शख्स से मोबाइल और बैग लूटकर फरार हो गए। देखिए किस तरह से बाइक सवार दो बदमाश आते हैं और पीड़ित शख्स के साथ मारपीट करते हैं और फिर बैग लूटकर फरार हो जाते हैं। बाहरी दिल्ली के नागलोई में गुरुवार को शातिर बदमाशों ने एक बुजुर्ग महिला को निशाना बनाया और 2 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। बुजुर्ग महिला बैंक से पैसे निकाल कर आ रही थी, तभी बदमाशों ने महिला का रास्ता रोका और फिर रुपयों से भरे बैग को लेकर फरार हो गए। दिल्ली तक के वीडियोस को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।